नमस्कार महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस महासंग्राम में उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, दिल्ली मान लीजिए, हम लोग तो आपके प्रदेश में आए हैं, आपके सम्मान्य जनता के सम्मुख आए हैं, अपनी बातें रखने के लिए आए हैं। क्या क्या बातें रख रहे हैं आप? क्या बातें रखनी चाहिए आप बताइए ना। पिछले 18 साल की कुशासन की बातें रखी जा सकती हैं, धोखे की, दगे की, गद्दारी की, साजिश की, लुटेरी सरकार के पैसे लूट करके हमारे विधायकों को खरीदने की, और आप क्या बातें रख सकते हैं? क्या आप जनता को बताएंगे? यही तो बताएंगे ना कि कैसे सिंधिया ने हमारे साथ गद्दारी की और कैसे शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट किया, कैसे जनता के चुने हुए मैंडेट का अपहरण करने का काम किया। इस चुनाव में तमाम सारे मुद्दे हैं। बीजेपी का कहना है कि हमने जबरदस्त विकास किया है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 18 साल खुली लूट मची रही मध्य प्रदेश में, और जो पूरे कांग्रेस का आक्रमण है इस समय बीजेपी के ऊपर, वो भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज़्यादा है कि हर चीज़ के मध्य प्रदेश में पैसे देने पड़ते हैं और 50% कमीशन की सरकार। ये सरकारी झूठ की, फूट की, लूट की सरकार है, साफ साफ सी वो है, बहुत स्पष्ट है, आप हर जगह देख लीजिए। कमीशन खोरी 50% से ऊपर, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, यहां के ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं। विकास की परिस्थितियां ये हैं, आपके सामने हैं कि जिस जगह पे भी विकास करते हैं सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। मैं अभी आया 5-6 दिन पहले, जब भोपाल आया ट्रेन से उतरा, तो ट्रेन से उतरते ही स्टेशन से दाहिनी तरफ एक पुल पड़ता है, मैं नहीं जानता, उसका मैंने वीडियो लिया था, ट्वीट किया। वहां पे गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे पता नहीं चल रहा था। वो पुल क्यों चल रहा है ये मुझे नहीं पता। उस पुल की परिस्थिति ये है कि किसी भी दिन वो पुल ढाया जा सकता है, किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस हद की चीज वहां पर हो रही है। जब आप भोपाल का सबसे महत्वपूर्ण एक ओवरब्रिज जो है, जो स्टेशन के पास में, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो अमेरिका जैसी सड़कें क्या बनाएंगे आप? व्यापम में 60 से उनका तो दावा है कि वाशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। आइए ना, मैंने तो देखा ना वाशिंगटन से अच्छी सड़कें, वो गड्ढे में थी सड़क या सड़क में गड्ढे थे। हाँ, शिवराज जी के घर में या शिवराज जी के सपनों में या नरेंद्र मोदी जी के सपनों में वो सड़कें होती होंगी, या आपका जैसे स्टूडियो है इसमें क्रोमा इफेक्ट होता है, तो उस क्रोमा इफेक्ट से शिवराज जी को, नरेंद्र मोदी जी को सड़कें दिखा दी जाती होंगी। लेकिन आम जनता से पूछिए, आप आइए किसी भी सड़क की तरफ चलिए, किसी भी गांव की सड़क की तरफ चलिए। हाँ, नेशनल हाईवे को अपना बनाने की बात करते हैं, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई 3-3 बार इस्तेमाल होती है, पेट्रोल डीजल का सेस भी होगा, आपकी सड़क के रजिस्ट्रेशन का भी होगा, PPP मॉडल से जो है टोल भी लिया जाएगा, उसके उन 3 गुने पैसे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सड़क बनाई जाएगी। वो तो आप कहीं पर भी देखिए वो ठीक बनेगी, क्योंकि उसको आपने प्राइवेट प्लेयर्स को दे रखा है, अडानी को दे रखा है। सुरेंद्र जी, आपने बहुत सारी बातें की। मुझे लगता है कि इतनी अगर समस्या है, इतनी बुराई है, तो कितनी सीट जीतेगी कांग्रेस? आपका आकलन क्या कहता है, कांग्रेस का आकलन क्या कहता है? और एक चीज और इसमें पूछा था कि सर्वे अब दोनों पार्टियां करती हैं, हर चीज का सर्वे होता है। कांग्रेस की हवा चल रही है, और आप अधिसूचना जारी होने दीजिए, कांग्रेस की आंधी चलेगी। अभी लोग डर रहे हैं अपनी बात को कहते हुए, अभी हमारे तमाम पत्रकार साथी थोड़ा सा दब रहे हैं लिखने में, सूचना की तमाम आरोज हैं हमें, अभी हमारे और लोग भी थोड़ा सा दबे हुए हैं पुलिस से, प्रशासन से। एक बार आप अधिसूचना जारी होने दीजिए, ये कांग्रेस की हवा आंधी में तब्दील होगी, और जब आंधी में तब्दील होती है तो आप इसके बाद आप कितनी सीटें आप ज़्यादा जीतते हैं इसका पता नहीं चलता। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि हम लोग 156 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस 15 महीने मध्य प्रदेश में शासन किया जी, 2018 के बाद परिणाम बदले थे और शिवराज जी के खिलाफ वोट था, कमलनाथ जी आए, लेकिन कमलनाथ जी को भी जितना करना चाहिए था उनके खिलाफ भी माहौल बना, और जब कमलनाथ जी के साथ अंजस्टिस हुआ तब भी लोग उनके साथ नहीं आए,
जिसको आप लोगों ने गद्दारी की संज्ञा दी, सिंधिया साहब भाग गए कांग्रेस से अपने लोगों को लेके। अब क्या कहें हम आपके सामने हैं, सिंधिया जी जाते, इस्तीफा देते, फिर चुने जाते, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने मैंडेट दिया था, मैंडेट देने के बाद कोरोना काल में मध्य प्रदेश को असक्त बना करके केंद्रीय नेतृत्व के साथ ऑपरेशन लोटस चला करके अपनी लूट के पैसे को सिंधिया और सिंधिया के गद्दारों के साथ बांट करके जिस तरीके से वो सरकार बनाई थी इन लोगों ने, उसको आप लोकतंत्र में लूट तंत्र नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रही बात 15 महीने के कार्यकाल की, तो कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए थे, ये आपके सामने है। इसमें भी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि उस समय जो बात हुई थी कि सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, फिर बात आ गई थी कि 2 लाख तक का, उसी को लेकर बीजेपी ने हमेशा आक्रमण किया कि एक भी किसान का 2 लाख नहीं हुआ, किसी का 25,000, किसी का 30,000। तो इसको लेकर भी गुमराह किया गया। भारतीय जनता पार्टी, असल बात ये होती क्या है कि अटकाने भटकाने और लटकाने की सरकार बनाती है और अफवाह तंत्र पर काम करती है। ये लोग किसी के लिए भी कुछ भी झूठ बोल देते हैं और इनका अफवाह तंत्र जो संघ के साथ चलता है उसमें वो उसको फैला। अभी तो बीजेपी दावा कर रही है कि जब से उन्होंने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू की और शिवराज सिंह जो दावा करते हैं कि 1,000 से शुरू हुई, अब 1,250, फिर इसको बढ़ाते जाएंगे 3,000 तक, तो इससे उनको बड़ा लाभ हो रहा है और उनकी 150 तक सीटें आएंगी, ऐसा बीजेपी के लोगों का दावा है। मदारी डमरू बजा रहा है, डमरू बजाने से लोग इकट्ठे तो होते हैं लेकिन मदारी मदारी ही रहता है। आप डमरू जितना बजा लीजिए, मदारी का बंदर नाच सकता है, जनता नहीं नाचेगी। जनता देख चुकी है शिवराज जी आपके डमरू बजाने को भी, आपके मदारीपन को भी, और मोदी जी के मदारीपन को भी देख चुकी है। भाई अगर आप मोदी जी की बात करें, पूछिए ना कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी को देने थे। आप हैं यहाँ पर बैठे, 15 लाख रुपए अगर आपको मिल गए हों तो मुझे बता दीजिए, आपके स्टाफ को मिल गए हों तो मुझे बता दीजिए। आपके यहाँ जिस दिन से ये सरकार आई है उस दिन से आप अपने चैनल की व्यावसायिक प्रतिबद्धता को बढ़ाया हो, आप बता दीजिए। आपके पास अगर 100 एम्प्लॉय होंगे, अगर आपने 1,000 एम्प्लॉय कर दिए होते तो मान लेते आपकी बात को, 100 के 75 की होंगे मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के गले पर, सांस की नली पर पैर रखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब मानते हैं अडानी को, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉनी कैपिटलिस्टों के लिए काम करते हैं। इसी मध्य प्रदेश में मेरा आरोप है 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए से ऊपर के जितने ठेके हैं आप उठाइए, आपको उसमें 90% से ज्यादा गुजरात की कंपनियां काम करती मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में यही हाल है। आप मुझे बताओ ना कि मध्य प्रदेश में क्या ठेकेदार मर गए? नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों को स्वावलंबन की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश के लोग बिजनेस नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं कि ओपन टेंडर है, जिसको मिल गया उसने काम ले लिया। सिर्फ गुजराती कंपनियों को क्यों मिल रहा है? ये कौन सी चिड़िया है आप बताइए? वो ओपन टेंडर, जेम पोर्टल, ये सारी चीजें सिर्फ एक जगह से तय हो रही है, एक ही जगह से। चलिए अपन ये मान भी लें कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी मध्य प्रदेश में? मैंने तो कहा ना, अभी हवा चल रही है, आंधी में तब्दील होगी, 156 के पार जाएंगी हमारी सीटें। हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं, शिवराज जी किस कुछ भी कहते रहे, कोई भी मदारे, शिवराज जी की बात है। शिवराज जी तो अब कहने की स्थिति में नहीं है। जिस दिन बीजेपी ने गाना लॉन्च किया था कि एमपी के मन में मोदी हैं, उस दिन ये तय हो गया था कि शिवराज जी का बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। अब तो उन्होंने, शिवराज जी ने भी तो खुली बगावत की घोषणा कर दी है ना आपके सामने। अब आप देखिए पब्लिक के बीच में कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री शिवराज चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं। जिस आदमी ने, अब तो खुली घोषणा होगी, खुली बगावत है, मोदी जी के खिलाफ शिवराज जी की बगावत है। आप बताइए 1952 से, आप भी क्या नाम, सन 80 से के बाद से आप पत्रकारिता देख रहे हैं, आज तक किसी भी राज्य में पदेन मुख्यमंत्री का टिकट पहली लिस्ट में होता है या नहीं होता है किसी भी पार्टी में?
भाई भाजपा में भी लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारे मतभेद हैं उनसे। नहीं, भाजपा को आपसे मुकाबला करना है इसलिए वो भी तैयारी से है। हो सकता है मुख्यमंत्री को टिकट दें ना दें, अपने बाद में दें। पहले कह दें, अपने मुख्यमंत्री को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? शिवराज जी को खुलेआम बेइज्जत किया जा रहा है। शिवराज जी, आप ये बताइए, आप कांग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं? आप शिवराज जी की तरफदारी कर रहे हैं, एक तरफ उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जो जन्म हुआ था ना, वो अत्याचार, अनाचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हुआ था। कांग्रेस का अगर आप उस इतिहास उठाएंगे तो किसी के भी साथ अगर अन्याय हो रहा है तो कांग्रेसी का धर्म है कि उसका जो संभव हो वो सपोर्ट करेगा। शिवराज जी का कुशासन है, शिवराज जी मध्य प्रदेश की जनता के अपराधी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता उनको उसके अपराध की सजा देगी? कोई गुजरात से आकर के थोड़ी उसको सजा देगा। मध्य प्रदेश की जनता का दोहरा अपमान करने की भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी इजाजत दी जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता सजा देगी शिवराज जी को, लेकिन कोई आ जाए दो गुजराती आकर के, आप कह रहे हैं कि साहब हम टिकट बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तीसरी लिस्ट में नाम नहीं दे रहे हैं, पद पार्टी में उनके प्रमुख हैं, और आप क्या भी हाईकमान सारी चीजें तय करता है, उनके भी हाईकमान तय कर रहा है। आप तो अनुराग जी ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत में आपका नाम रहता है। आप मुझे कोई ऐसा एक स्टांस बता दीजिए कि पदेन मुख्यमंत्री को पहली लिस्ट में टिकट, या तो वो कह दे कि भी मैं छोड़ रहा हूं, मैं संन्यास है, वरना तो पहली लिस्ट में नाम प्रदेश अध्यक्ष का और पदेन मुख्यमंत्री का नाम पहली लिस्ट में होता है। ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, हर पार्टी का एक। कमलनाथ जी का नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी के तो नेतृत्व में चुनाव हो रहा है उनका, तो वो तो 230 की 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज की डेट में जनता ने तय कर लिया है कि जय कांग्रेस तय कमलनाथ, 230 की 230 सीटों पर कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि 230 की 230 सीटें कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। कई बार कांग्रेस में भी ये चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या बाद में विधायक दल तय करेगा, इस तरह की बातें हम तय करके चल रहे हैं। हमारी बहुत स्पष्ट है, सामूहिक नेतृत्व तो है ही है साथ में, लेकिन जय कांग्रेस है तय कमलनाथ है, ये बात हमारी बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ है, एकदम जनता के सामने रख करके चल रहे हैं हम लोग। इसमें कोई किसी भी तरीके का सा किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्य मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के, आपका जब मैनिफेस्टो आएगा, दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, जो भी होगा, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप जनता से बातें करने जा रहे हैं? हम पहले वचन पत्र अपना दे चुके हैं, हमने कर्नाटक में दिया, हमने राजस्थान में दिया, हमने हिमाचल में दिया, हमने छत्तीसगढ़ में दिया। किसान की जो धान की उपज थी, श्री भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपये क्विंटल की ना, पूरे हिंदुस्तान भर में 1800 रुपये में बिक रहा था। 2000 यूनिट राजस्थान ने किसान को फ्री की ना पर मंथ, 2000 यूनिट। हमने 500 रुपये में सिलेंडर दिया ना, हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया, हमने कर्नाटक में बेरोजगार भत्ता देने का काम शुरू कर दिया है, वहां की महिलाओं को हमने प्रमुख बना करके उनके खाते में पैसे डलवाने शुरू कर दिए हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए। तो ये सारी चीजें तो हम पहले कह चुके हैं, इसी के साथ में कुछ और नई चीजें, क्योंकि हो क्या रहा था, हम जब कह रहे थे शिवराज जी उसका सवैया घोषणा कर दे रहे थे, तो घोषणा नाथ है घोषणा मंत्री से। आज की डेट में शिवराज जी की जो सबसे बड़ी वो है उनकी, वो शिवराज जी शिवराज चौहान नहीं रह गए 2015-16 वाले, अब वो पीआर सिंह चौहान हो गए, शिवराज पीआर चौहान। पब्लिक रिलेशन की जो कंपनी है, पीआर कंपनी, वो शिवराज जी को कहती हंसो तो वो कॉलगेट स्माइल कर देते हैं, हाथ उठाओ तो उठा देते हैं, हाथ नीचे करो। शिवराज जी तो एक पीआर कंट्रोल्ड एक आदमी, रोबोट की तरीके से हो गए, नेता ऐसा नहीं होता है। नेता को तो अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए, पीआर एजेंसी थोड़ी नेता बनाती है, लेकिन शिवराज जी को गलतफहमी हो गई है। तो ये लोग जो हैं आज की डेट में इस समय परेशानी में हैं, हमारी घोषणाओं की नकल कर रहे थे ये लोग, वो नकल कर रहे हैं। हाँ, जो भी कर रहे हैं वो भी दावा 140 का कर रहे हैं। अब दावा तो एकदम उनको करना भी चाहिए, 140 का दावा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे वो आज की डेट में। आप बताइए, उनको टिकट नहीं मिल रहा है बेचारों को,
बुधनी की जनता में रो रहे हैं, मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख ले, दावा भी ना करें। दावा उनको तो 230 कर ले, वो कौन रोक। देखिए, आपसे मुकाबला करना था कांग्रेस की जो रणनीति थी, जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही थी, कई सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी उनकी तरफ से आए, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, अब देखिए और भी तमाम सारे नाम आएंगे। आप यहाँ से घूम फिर के एक ही नाम बचता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री होंगे तो कमलनाथ जी होंगे, उनके पास तो लाइन की लाइन है। एक नाम आज और आ गया है, कौन है वो? भार्गव जी, गोपाल भार्गव, गोपाल जी। एक और नाम आ गया, काहे भूले जा रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री तब बनिएगा ना जब विधायक जीतेंगे। एक वो बल्ले वाले हैं, कैलाश जी, कैलाश विजयवर्गीय नाम है उनका, उनका बेटा बल्ला ही घुमाया करता है सरकारी अधिकारियों को, बॉल पे नहीं घुमाता, सरकारी अधिकारियों के सर पे घुमाता। वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी जिम्मेवारी के लिए आया हूं, बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है। वो 18 साल से बता रहे हैं कि पिछले 18 सालों में जो यहां पर नशे का कारोबार चल रहा है, पुड़िया बिक रही है, स्मैक बिक रही है, इसको बंद करना है। 18 साल से भाजपा की सरकार में अगर स्मैक बिक रही है, पुड़िया बिक रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी आपको और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को और पूरी सरकार को बंद कर देना चाहिए एनडीपीएस एक्ट में। जमानत नहीं होनी चाहिए आपकी एक साल तक। अगर इंदौर में आप ये कह रहे हैं कि यहां पुड़िया का बंद करना है, 18 साल में आप अगर आपकी सरकार में बिक रही है, तो ये घनघोर पाप आपने युवाओं के प्रति किया है, उनके माता पिता के प्रति किया है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ जेल में रहना चाहिए। बड़ी आपका पद जो है कि जेल में तो वार्डन के आसपास ही तो आप हो सकते हैं, जेलर तो होंगे नहीं। तो आपसे समय आने पर पूछेंगे कि भाई आपकी छत्रछाया में ये अपराध कैसे पनपरा था। तो इनकी ऐसे ऐसे सारे इनके यहाँ नेता है, कोई कह रहा है कि साहब मैं तो आना नहीं चाहता। आप एक एक किरदार की राजनीति में भी अलग अलग किरदार होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके बारे में कुछ कहते कहते शुरू में फिर आप भूल गए। आपने कहा कि गद्दारी की उन्होंने कांग्रेस के साथ। गद्दारों की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। गद्दारों की बात तो भाजपा बहुत कर रही है लगातार। इनके यहाँ मुरलीधर राव जी हैं जो इनके प्रभारी हैं, वो लगातार उनको और उनकी सेना को विभीषण की संज्ञा दे रहे हैं। हमारे यहाँ का महाराज, उनके यहाँ विभीषण हो गया, गद्दार हो गया। जमीनें बचाने के लिए गए, उन्होंने जमीन बचाने के लिए जमीर बेचा या मंत्री बनने के लिए जमीर बेचा। वो तो चर्चा आपके भीतर की है कांग्रेस की। ये कहा जा रहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहेंगे और कुछ समय बाद सिंधिया जी को बनाना था, उनको नहीं बनाया, इसलिए नाराज होकर चले गए। 15 महीने ही तो हुए थे भाई, झूठा भी है। अब तो आपने ही कह दिया, हम तो अब भी गद्दारी कह रहे, तो झूठा और मक्कार भी है। ऐसा कोई पैक था क्या कि 2 साल 2.5 साल में? मैं प्रवक्ता हूं, मेरी उस समय यहां की तो कोई वो नहीं थी, मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन अगर आपके हिसाब से भी मैं बात कर लूं तो उनकी नाराजगी क्यों थी? नाराजगी क्यों थी कि एकदम कोई पार्टी छोड़ के चला जाए? देखिए, गद्दार की नाराजगी तो गद्दारी होती है। गद्दार की नाराजगी को आप क्या, कोई बहुत वो थोड़ी माना जाता है। आप बताओ मीर जाफर की क्या नाराजगी थी? आप बताओ जयचंद की क्या नाराजगी थी? गद्दार की नाराजगी का कारण थोड़ी था। गद्दार का तो लालच होता है। अब वो लालच कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं और कुछ लालच का, क्या वो लालच मुख्यमंत्री का पद रहा होगा? कुछ भी कह सकते हैं। अब वो मुख्यमंत्री का पद अगर लालच था उनका, तो पूछना चाहता हूं ज्योतिरादित्य जी से, मिल गया क्या? क्योंकि यहां तो मिला नहीं, हो सकता अब मिल जाए। नहीं, मिल गया क्या? आप देखिए, उन्होंने तोमर जी पर भरोसा किया, फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा किया, कैलाश विजयवर्गीय पर भरोसा किया, उन्होंने अपने 8 सारे उसको क्या नाम ला करके यहां खड़ा कर दिया, प्रहलाद पटेल पर भरोसा किया। उस पूरी भाजपा ने सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और उसके पूरे परिवार पर भरोसा नहीं किया। शिवपुरी से यशोधरा जी पर भरोसा नहीं किया। तो कह रहे हैं कि हम खुद ही लड़ना नहीं चाहते। वो तो भाई, आप ही जब आपको अगर किसी को जबरिया रिटायर करेंगे तो क्या कहता हुआ जाएगा आपके यहां से? कहेगा बहुत अच्छा टाइम था, अब हमारी इच्छा नहीं कर रही, उम्र हो गई। वही उन्होंने वसुंधरा जी के साथ किया, वही उन्होंने ज्योतिरादित्य के साथ किया। ज्योतिरादित्य को तीसरी लिस्ट तक अगर उन्हें चुनाव लड़ाना है, तीसरी लिस्ट तक उनका नाम नहीं है, तो उनकी इज्जत है या बेइज्जती है, ये तो फैसला जनता पर छोड़ा जाना चाहिए। आप भी आप क्या उनसे उम्मीद करेंगे? आपको ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि कांग्रेस में जो मान सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया का था वो भाजपा में नहीं है? कतई नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर वो लौट के आते हैं कांग्रेस में कोई संभावना है? कोई सवाल नहीं उठता, कोई भी सवाल नहीं उठता। उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की, कांग्रेस के साथ गद्दारी की, राहुल गांधी के साथ गद्दारी की, और उन्होंने विश्वास तोड़ा है सब लोगों का और झूठ बोला है उन्होंने। वो उन्होंने कहा कि सोनिया जी मिलती नहीं थी, राहुल जी मिलते नहीं थे। अरे वो इकलौता ऐसा आदमी था, झूठ बोलते भी शर्म नहीं आई उसे कि वो इकलौता ऐसा आदमी था जो बगैर अपॉइंटमेंट के उनकी गाड़ी के लिए गेट हमेशा खुला हुआ। लेकिन अब लालच है, गद्दारी है, जो सारी चीजें हैं वो उनके सामने है, वो सब सामने आएगा उनके। अच्छा, यहाँ सिनारियों में कांग्रेस ने भी सबको सामने रखा, दिग्विजय सिंह जी का फोटो तक जन आक्रोश यात्रा से गायब कर दिया। ये बड़ी देखिए, ये दुर्भाग्य आप लोगों के साथ में ये है कि इतिहास नहीं देखते हैं। इतिहास पढ़िए, दिग्विजय सिंह जी अपनी फोटो किसी रैली में, अरे वो किसी जन आक्रोश, आपके बड़े नेता हैं, उन्हें भी प्रेजेंट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, उनका बाकायदा सारा, उन्होंने स्वयं खड़े होकर के मना किया है कि नहीं, वो कभी राहुल गांधी जी के सामने या गांधी परिवार के सामने कभी भाषण नहीं देते हैं और पोस्टरों में अपना फोटो नहीं रखते कभी भी। ये दिग्विजय सिंह जी की बाकायदा, आप जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो गांधी परिवार के सामने भाषण नहीं देते, ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए इसको। दिग्विजय सिंह जैसे स्टालवार्ट नेता को इस तरीके के कुचक्र में फंसाना, मेरे ख्याल क्या भूमिका है इस इलेक्शन में, उनकी क्या भूमिका है? जो चाणक्य की भूमिका होती है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दो जिस्म और एक जान की तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश, चाहे वो नर्मदा की यात्रा हो, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, किस जगह पे दिग्विजय सिंह जी की भागीदारी नहीं है? हर जगह पे तो दिग्विजय सिंह जी की भागीदारी है। पिछले इलेक्शन में भी उनका एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था, वो कह रहे थे कि मैं जब सामने आता हूँ जहां भी जाता हूँ तो वहां वोट कम हो जाते हैं कांग्रेस के, इसलिए मैं पर्दे के पीछे रहूं। वो मजाक की बात है, देखिए एक हल्के फुल्के अंदाज में कोई बात करते हो। आज की डेट में दिग्विजय जी कांग्रेस की शान है, आन बान शान है हम लोगों की। इकलौते ऐसे नेता हैं देश में जो अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने कहा था 10 साल के लिए संन्यास, तो 10 साल के लिए उन्होंने कोई पद नहीं लिया, राज्यसभा नहीं गए, लोकसभा नहीं गए, कोई इलेक्शन नहीं लड़े। उस शख्स को तो इतनी हल्की हल्की बातें उनके बारे में कही जाए तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जो शख्स अपने वचन का इतना पक्का हो, वो मध्य प्रदेश के लिए कितना पक्का होगा, ये देखने की बात है। आज की डेट में आप देखिए दो जिसमें एक जान की तरीके से कमलनाथ जी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक मसला और आया था 33% महिलाओं को आरक्षण का, आपके यहाँ जब अभी टिकट बांटे जाएंगे, कल मीटिंग हो गई है पहली सेंट्रल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, तो लगता है कुछ महिलाओं को इस बार प्रतिशत बढ़ेगा आपके यहाँ? भाजपा पोस्ट डेटेड चेक दे देती है, आप लोग उनसे पूछते नहीं, नहीं उनसे भी पूछते सुनिए ना, 10 साल बाद उनसे भी पूछते 10 साल बाद 15 साल बाद उसकी डेटे नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक डिजिटल युग में दे दिया जहां आरटीजीएस होता है, ठीक है ना। जनगणना का सहारा लेकर के 2011 की जनगणना रखी है, सारी चीजें तैयार हैं, उस पर ही कर देते वो लोग। तो हम तो एक चीज कह रहे हैं, हमारे यहां महिलाओं की भागीदारी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम परसेंटेज की बात इस वक्त नहीं कर सकते। आज की डेट में निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी आएगी, सुयोग्य महिलाओं की भागीदारी आएगी, आगे बढ़ाने में हम प्रतिबद्ध। मेरे तो भाजपा से एक ही सवाल है कि आप बताइए, हमारे यहां तो महिला अध्यक्ष 20 साल रही, भाजपा का जिस दिन से उदय हुआ है आज तक एक अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव किया हो या एक महिला अध्यक्ष रही हो उनकी, बताइए ना, कोई हो आज तक? कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, हमारे लिए हो वो हंगामा करते रहते हैं, हमारे लिए महिलाओं की बात पूछेंगे। अपने यहां तो बता दें, अपने यहां की महिलाओं की इज्जत वो कैसी करते हैं वो आपके सामने। तो जिन लोगों ने महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी पोस्ट डेटेड चेक के रूप में दिया हो, उन लोगों के सामने निश्चित तौर पर हमारी यहाँ की तो महिलाओं की भागीदारी अच्छी ही रहेगी, परसेंटेज में नहीं। मुझे लगता है कि महिलाएं भी जागरूक हैं, वो भी अपना भला बुरा समझती हैं और जब मतदान करेंगी तो हर चीज का ध्यान रखेंगी। निश्चित तौर पर वो जानती है कि कांग्रेस अपने वचन की पक्की है, इसीलिए कांग्रेस वचन देती है, वचन पत्र देती है, उस वचन पत्र के हिसाब से
महिलाओं को हम भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, हम महिलाओं को उनके घर का मुखिया बनाने की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उनको उनके अधिकार दिलाने में हमेशा से प्रयत्नशील रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड से पहले दे दिया था, आपके सामने है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज ला करके महिलाओं की भागीदारी पंचायत में सुनिश्चित कर दी थी, आज की डेट में सब लोगों की मजबूरी है। और यही महिला आरक्षण बिल हम पहले लाए हुए थे, राज्यसभा में पास कर रखा था, लेकिन लोकसभा में भाजपा ने ही पास नहीं होने दिया था। आप ग्वालियर चंबल में मोर्चा संभालेंगे, चुनाव तक आपकी ये समझ लें कि ड्यूटी है वहां जी, पे। जी, जी। तो फिर मोर्चा खुलेगा सिंधिया के खिलाफ? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं खुलेगा। यहां पर तो राय राव की छिड़ी है जंग, तो हम तो जनता की राय से श्रीमंतों के राव तक लड़ेंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरह विंध्य इलाके की सीटें बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, ठीक वैसे ही 34 सीटें ग्वालियर चंबल की भी बहुत ज्यादा महत्व रखती है मध्य प्रदेश की राजनीति में। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं 34 की 34 जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे, चाहे वहां पर कोई सीट हो। किसी सीट पर इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, भाग रहे हैं इनके यहां से लोग। नरोत्तम मिश्रा तक सीट बदलने की बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का एक महल बन रहा था, बंद हो गया, उसके ऊपर उन्होंने झाड़ फानूस लगा दिए, कर्टन लगा दिए, लड़ नहीं पा रहे। जन आक्रोश यात्रा में आप यकीन करें हर रोज 25,000 30,000 40,000 से ज्यादा की पब्लिक सड़क पर है, जनता के मुद्दे उठा रही है। सारे लोग अपनी अपनी सीट बदलने के लिए आतुर हैं। सिंधिया जी पता नहीं हवा में घूम रहे हैं, बगैर एयरलाइंस के वो प्राइवेट एयरलाइंसों में घुमा करते हैं आज की डेट में। आज ही कहने लगे, कहने के वो बाबा साहब ने अपने मरने के बाद भी इंतजार किया भारत रत्न मिलने, इंतजार कर रहे थे बाबा साहब। अब जो आदमी को ये नहीं पता, इतना मानसिक संतुलन खो चुका है वो कि बाबा साहब के परिनिर्वाण को कितना समय हो गया, उसके बाद भी कह रहे कि भारत रत्न जो है, भारत रत्न का बाबा साहब इंतजार कर रहे थे। आप सुन रहे थे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और एक छोटी सी बात कहनी अगर आप कहें तो जी, जी। एक फहमीदा रियाज के शेर से खत्म करूंगा जी, शेर नहीं बल्कि छोटी सी नज्म है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। ये शिवराज कंपनी और मोदी जी कह रहे हैं ना कि वो 25 साल 40 साल में ऐसा हो जाएगा, ये मत करना वो मत करना, इनका डर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं शिवराज जी, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है और कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपने करने कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, जो होगा वो देखा जाएगा। और महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, आप देख रहे हैं दखल न्यूज, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत आभार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।